अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इस लेक्चर में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का ओरिजिन क्या है, और फिजिक्स साइंस के किस ब्रांच से रिलेट करता है, राइट? सो आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखें, मैंने जिस तरह बोर्ड पे लिखा है, और दोबारा से एक रिकॉल कर लेते हैं फिजिक्स को ही, हम फिजिक्स से स्टार्ट ले लेते हैं एंड देन उसके बाद हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पर मूव कर जाएंगे, राइट? तो स्टार्ट लेते हैं जिस तरह मैंने लिखा है कि फिजिक्स किस वर्ड से, किस लैंग्वेज से ड्राइव होता है। फिजिक्स एक्चुअली ड्राइव होता है एक ग्रीक लैंग्वेज से। उस ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स को कहा जाता है फिजिकोस, जिसका मतलब क्या है कि नॉलेज ऑफ नेचर। इट्स मीन कि फिजिक्स सिंपल क्या है कि जो भी चीज़ें नेचर में मौजूद है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास चीज़ें नेचर में मौजूद है, वो तमाम को हमने सिंपल एक वर्ड कह दिया, और वो क्या कह दिया? फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम करते क्या है? फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास नेचर में मौजूद जो मिस्ट्रीज़ हैं, और उन मिस्ट्रीज़ में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है, और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, हम उनको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं और उन्हें मैथमेटिकली क्या कर देते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। और फिर बाद में क्या किया जाता है? उन इन्फॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, राइट? अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या है फिजिक्स? इंटरेक्शन है किसका? मैटर एंड एनर्जी का। और किस तरह से ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देता कौन है? यकीनन ऑब्जर्वर देता है, और उस ऑब्जर्वर को हम क्या कहते हैं? फिजिसिस्ट कहते हैं। उस ऑब्जर्वर को हम क्या कहते हैं? फिजिसिस्ट कहते हैं। और फिजिसिस्ट को हमने फर्दर टू कैटेगरीज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक कैटेगरी कहलाती है थ्योरेटिकल फिजिक्स, और एक कैटेगरी कहलाती है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का क्या काम होता है? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि नेचर में मौजूद जो चीज़ें और मिस्ट्रीज हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, और नेचर में मौजूद उन मिस्ट्रीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, उनको यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद अपनी एक मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं, और एक मैथमेटिकल फॉर्म में उन तमाम की तमाम अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या कर देते हैं? वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये काम होता है किसका? थ्योरेटिकल फिजिक्स का। अब एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट का क्या काम होता है? तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या करता है? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लेता है, और उनको क्या करता है? बाय एक्सपेरिमेंट उन तमाम चीज़ों को क्या करता है? चेक करता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिस्ट्रीज से रिलेटेड, नेचर में मौजूद डिफरेंट मिस्ट्रीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने हमें प्रोवाइड की है, वो करेक्ट है या नहीं है। ये काम किसका होता है? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का। आए अब देखते हैं कि हमारे पास फिजिक्स के कितनी बेसिक ब्रांचेस हैं और उनकी सब ब्रांचेस कौन कौन। ओके, अब अगर मैं बात करूँ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू डिस्कवरीज इन द फिजिक्स और द रेवोल्यूशन इन द फिजिक्स, हमने क्या किया? फिजिक्स को फर्दर दो ब्रांचेज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब वो दो ब्रांचेज कौन कौन से थी? अगर मैं कहूँ कि 19th century से पहले जिन फिजिक्स के बारे में हम जानते थे, उसे हमने क्या किया? कैटेगरी फिर क्लासिकल फिजिक्स में रख दिया। और दूसरी फिजिक्स आफ्टर 19th century जो हमारे पास फिजिक्स की डिस्कवरीज हुई, वो क्या है? हमने उसको किस में रख दिया? मॉडर्न फिजिक्स का नाम दे दिया, और वो तमाम के तमाम फिजिक्स को हमने मॉडर्न फिजिक्स की कैटेगरी में ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी फिजिक्स हैं? जिस तरह सिंपल बहुत आसान फिजिक्स हैं, ये कह सकते हैं कि आसान फिजिक्स है एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न फिजिक्स। मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, थर्मोडायनेमिक्स है। इसी तरह मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या है? एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, एस्ट्रो फिजिक्स है, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे और भी फर्दर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं जो कि क्या है? क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करते हैं। अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँ, तो मॉडर्न फिजिक्स से पहले, यानी 19th century से पहले पहले, एट द एंड ऑफ 19th century, हम ये समझते थे कि फिजिक्स इज़ ओवर, यानी फिजिक्स अब क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। लेकिन 19th century में कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई कि जिसके बाद हमारे लिए फिजिक्स की दुनिया का एक नया दरवाज़ा खुला, और ये पता चला कि फिजिक्स असल में अब तक जो हम पढ़ते रहे वो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिजिक्स में जो डिस्कवरीज हुई 19th century के अंदर, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन, नील बोहर, हाइजनबर्ग, मैक्स प्लैंक, इस तरह के बड़े नाम जो थे, इन्होंने क्या किया? ये फिजिक्स के, अगर मैं ये कहूँ कि 19th century फिजिक्स की रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन ऑफ अ सेंचुरी कह सकते हैं इसको, या यूँ कह लें कि गोल्डन एरा ऑफ फिजिक्स
19th सेंचुरी जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, और ये न्यू डिस्कवरी जो हमारे पास हुई जिसमें हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और डिफरेंट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 19th सेंचुरी के बाद मॉडर्न फिजिक्स जो थी हमारे पास, वो एक फिजिक्स की नई दुनिया हमारे सामने निकल कर आई। तो आए अब देखते हैं कि हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें कौन कौन से ब्रांचेस हैं, उनको डील करते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस को क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स की मैंने पहली ब्रांच लिखी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है भाई? मैकेनिक्स क्या है? सिंपल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किस वजह से रेस्ट में है, अगर मोशन में है तो वो किस वजह से मोशन में है, और अगर उसको मोशन जनरेट करवा दिया जाए या मोशन अंडर ग्रेविटी करवा दी जाए तो उसके मोशन के ऊपर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। अब अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। द फर्स्ट वन इज़ थर्म एंड द सेकेंड वन इज़ डायनेमिक्स। थर्म का क्या मतलब होता है? हीट। और डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? पावर। यानी कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, कि हीट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर, और उस सिस्टम के चेंज होने की वजह से, हीट के चेंज होने की वजह से उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आती हैं, उसके वर्क में, उसके पावर में क्या चेंजेस आती हैं। अब मिसाल के तौर पर सिस्टम क्या हो सकता है? मेरे पास एक सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर है, उसमें मौजूद हमारे पास गैस है, तो उस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, उस सिलेंडर का क्या, उस सिलेंडर में मौजूद गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। अगर मैं हीट को चेंज करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में, यानी उसके प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में, उसके टेम्परेचर्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, सो थर्मोडायनेमिक के बाद हमारे पास थर्ड जो ब्रांच है फिजिक्स की वो कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल अगर कहें तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड सिटी मीन्स यानी चार्जेस का शहर, ठीक है ना। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, के चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब वो रेस्ट में होगा तो किस तरह बिहेव करेगा, जब वो मोशन में होगा तो किस तरह बिहेव करेगा। हम जानते हैं कि हर मैटर जो है वो किससे कंपोज हुआ हुआ है? एटम से। और हर एटम में क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हर मैटर में मौजूद है, और एक मैटर जो है वो बिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। आई इट्स मीन कि मोशन ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या यूं कह लें कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, और चार्जेस का बिहेवियर क्या होगा जब वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। उसके बाद अगर देखें तो मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म की अगर एक सिंपल सी बात की जाए तो जिस तरह मैंने डेफिनेशन लिखी है कि मैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं है सिवाय एक फोर्स के, और वो फोर्स की वो कौन सी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स हो सकती है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है। अब वो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स कब प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिज्म के कॉसेज क्या है? कि जब एक एटम के अंदर चार्जेस मूव करते हैं तो हमें जानते हैं कि वहाँ पर दूसरे एटम्स भी मौजूद हैं, और वो एटम से क्या करेगा? इंट्रैक्ट करेगा। अब या तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो सकती है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो सकती है, जो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। इट्स मीन कि मैग्नेटिज्म क्या है? फोर्स है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स, और इसके कॉजेज क्या हैं? मोशन ऑफ दी चार्जेस, या यूं कह लें कि हम इस चैप्टर के अंदर जो है, या इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। द सेकंड वन इज ऑप्टिक्स है आपके पास। तो ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लाइक लाइट है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करते हैं कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाय द यूज़ ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लेंसेज वगैरह, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास साउंड। साउंड क्या है? साउंड इज एक्चुअली द वाइब्रेशन, फ्लो ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द वेव इज कॉल्ड साउंड। किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, कि अगर मैं कहूँ कि हम दो ऑब्जेक्ट को जब कोलाइड करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है?
साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है भाई, वो हमें वेव जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं वो वाइब्रेशन हमें थ्रू द वेव हमारे एयर तक आती हैं, जो कि क्या सेंस प्रोड्यूस करती हैं, एक साउंड साउंड का सेंस प्रोड्यूस करती है। और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, क्या उनकी वेवलेंथ क्या होगी, उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो जो वाइब्रेशन हुई है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये तमाम की तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस को हम तब इसमें डिस्कस करते हैं साउंड में। तो यहाँ तक की तो जो बात थी वो हमने क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, यह हम डिस्कस करने वाले हैं दरअसल मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट वन मैंने लिखा है एटॉमिक फिजिक्स। जब आपने देखा कि एटॉमिक फिजिक्स लिखा है, इट्स मीन यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, एटम की, कि एटम किस तरह से कंपोज हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। एटम में हम जानते हैं क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है ना। उसी तरह उसमें एनर्जी स्टेट्स मौजूद हैं, कि क्या एनर्जी स्टेट का बिहेवियर क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट के ऊपर जाएगा, या एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, या एनर्जी इमिट करेगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। या फिर यूँ कह लें कि अगर मैं एक हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में एक एटम को पुट करता हूँ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस एटम के ऊपर क्या बिहेवियर, क्या इफेक्ट आएगा, और उसके वजह से अगर कोई रेडिएशंस होती हैं या उसके एनर्जी स्टेट्स स्प्लिट हो जाते हैं, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में डिस्कस करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स से जब देखते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है, इट्स मीन वी आर इंटरेस्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्या वो उस एटम जो है उस एटम के कॉन्स्टिट्यूट क्या है, ठीक है ना, कि किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या मौजूद होता है, न्यूट्रॉन मौजूद होता है और प्रोटॉन मौजूद होता है। उस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, कि अगर मिसाल के तौर पर कि एक न्यूक्लियस को हम ब्रेक करते हैं तो वो किस तरह के न्यूक्लियस में जनरेट होगा, यानी कि अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर देते हैं तो उससे जो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे वो किस तरह के होंगे, उसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, किस एलिमेंट का न्यूक्लियस हमारे पास जनरेट होगा, और उस ब्रेकिंग के वजह से वहाँ पर कौन सी रेडिएशन इमिट होंगी, कौन सा रिएक्शन होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है, कि अगर मैं यूँ कहूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पर काम हो रहे हैं उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है जिन ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में, जिन फील्ड में, फिज़िक्स की जिन फील्ड में जिस तरह से, तो उसमें से एक हमारे पास क्या है, पार्टिकल फिज़िक्स। अब पार्टिकल फिज़िक्स अगर बात करें तो पार्टिकल फिज़िक्स तो आप समझ में आता है कि भाई पार्टिकल इट्स मीन के एटम के पार्टिकल्स होंगे यकीनन, या कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो हर कोई फैमिलियर है कि हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल, या यूँ कह लें कि हमारे पास जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन हमने उसको अलग क्यों कर दिया बिल्कुल, और एक पार्टिकल फिजिक्स, एक नई फिजिक्स के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम उसे पार्टिकल फिजिक्स का नाम दे दें। तो सिर्फ ये हमारे पास पार्टिकल्स नहीं थे, जब आगे डिस्कवरीज हुई और फर्दर थोड़ा सा फिजिक्स आगे हुआ तो क्या हुआ हमारे पास, कि हमने देखा जब उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने क्या किया, फर्दर ब्रेक किया, तो वो पार्टिकल्स ब्रेक होने के बाद हमें न्यू पार्टिकल्स दे रहे थे, जैसा कि क्वार्क्स है, लेप्टन्स हैं, बोसोन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें फर्दर डिवाइड करने पर, कौन से पार्टिकल जो उसके एलिमेंट्री या बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमारे पास न्यू पार्टिकल्स आए जिसमें क्वार्क, लेप्टन और बोसोन्स थे। तो इनके लिए क्या हुआ कि इन तमाम के तमाम पार्टिकल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में। लेकिन एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रेडिएशन। जब भी हम पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल की बिहेवियर की बात होगी, और जब पार्टिकल अपना बिहेवियर चेंज करता है तो यकीनन वो क्या करता है, या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या फिर रेडिएशन इजेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, या जो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स, जो न्यू डिस्कवर्ड पार्टिकल्स हैं, इनकी स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि उन पार्टिकल्स के ऊपर रेडिएशंस का क्या इफ़ेक्ट है और उस पार्टिकल की बिहेवियर के साथ रेडिएशंस का क्या रिलेशन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में। उसके बाद है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स की, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, या एस्ट्रोनॉमी की बात अगर हम करें तो आउट टू दी अर्थ।
अर्थ के बाहर जो चीज़ें हैं, यानी अर्थ से बड़ी जो चीज़, अर्थ के बाहर बड़ी क्या कहें, अर्थ से बाहर जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में, जिस तरह से स्टार्स हैं या ह्यूज गैलेक्सीज हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक बात ये समझ में आई कि हम पहले डिस्कस करते रहे हैं कि एटम, फिर एटम से फर्दर हम क्या हो गए, स्मॉलर पार्टिकल पर चले गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी फर्दर स्मॉलर पार्टिकल पर चले गए, क्वार्क, लिप्टॉन्स और बोजोन्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक फिज़िक्स की ब्यूटी है कि हम एक स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल से लेकर कहाँ तक की स्टडी करते हैं, ह्यूज गैलेक्सीज तक। इट्स मीन कि फिज़िक्स सिर्फ पर्टिकुलर साइज पर जो है वो डिस्कशन नहीं करता, या पर्टिकुलर पार्टिकल के या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एनर्जी की डिस्कशन नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि ऐसे पार्टिकल जो कि इनविजिबल्स हैं उन पार्टिकल से लेकर ह्यूज गैलेक्सीज जो कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम डिस्कशन, तमाम की तमाम चीज़ें किस में आती है, फिज़िक्स में ही आती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ दी नेचर, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें किस में मौजूद हैं, नेचर में मौजूद हैं। आइए नेक्स्ट बोर्ड पर हमारे पास मौजूद है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है, प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं भाई आयोनाइज्ड मैटर। आयोनाइज्ड मैटर क्या होते हैं भाई, वो मैटर जिनके ऊपर क्या हो, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो। अगर सिंपल सी बात की जाए तो कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्स में 99% जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, आयोनाइज्ड है। यानी स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो आप पहले तो पढ़ते रहे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूं मैटर की, तो वो क्या है आपके पास, प्लाज्मा। और हमारे पास यूनिवर्स में 99% जो मैटर है वो क्या है, दरअसल आयोनाइज्ड है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है प्लाज्मा। अगर मैं सन की बात करूं तो सन भी हमारा क्या है, प्लाज्मा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मौजूद होता है, जिसके वजह से वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो रही होती है, और उस न्यूक्लियर बॉम्बिंग के नतीजे में हमें क्या मिल रही होती है, रेडिएशंस और हीट एनर्जी हमें क्या मिल रही होती है, मिल रही होती है। तो ऐसे आयोनाइज्ड मैटर की, ऐसे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की, आयोनाइज्ड मैटर्स की स्टडी और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, यकीनन जियो मीन्स अर्थ, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम किस में करते हैं, जियोफिजिक्स में करते हैं। अब जियोफिजिक्स में होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में है क्या चीज़ें, सिंपल से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, इनसाइड द अर्थ हमारे पास मौजूद है, इसी तरह गैसेज हैं, ऑयल्स हैं, पेट्रोल्स हैं, या डिफरेंट अदर चीज़ें जो इनसाइड द अर्थ मौजूद हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में मौजूद है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, जियोफिजिक्स में करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।